रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लैब। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इमामबाड़ा और सोनेगांव थाने के तहत सड़क दुर्घटना में दो युवकों की हुई मौत, जहर पीकर भी युवक ने आत्महत्या। महानगर पालिका की आप सभा 25 जनवरी तक आगे बढ़ी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इमामबाड़ा व सोनेगांव थाने के तहत अलग अलग सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई। पहली घटना बुधवार को सुबह 5 बजे इमामबाड़ा के अशोक चौक में हुई, वही दूसरी घटना सोनेगांव थाने के तहत एम्स अस्पताल के सामने हुई। भंडारा निवासी उमेश ज्ञानी राम पटेल सुबह 5 बजे अशोक चौक से पैदल जा रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार मेटाडोर ने उमेश पटेल को चपेट में ले लिया। दूसरी घटना सोनेगांव थाने के तहत एम्स अस्पताल के सामने हुई। बुधवार की शाम 4 बजे बिहार गोपालगंज निवासी जयप्रकाश बाजी आश्रम अस्पताल के दीवार के किनारे से जा रहे थे। इस दौरान आरोपी चालक पैदल जा रहे जयप्रकाश को टक्कर मारकर फरार हो गया। इस दुर्घटना में जयप्रकाश की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी चालकों के खिलाफ धारा 304, 279 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अगली खबर, तहसील थाने के तहत टिमकी इलाके में एक 32 वर्षीय युवक ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। मृतक दीपक राजेश पचदारे बताया गया है। दीपक ने शनिवार 15 जनवरी की रात 11 बजे जहर पिया था। उसकी तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने मेयो अस्पताल में उसे भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान बुधवार 29 जनवरी को सुबह 11:30 पर डॉक्टरों ने दीपक को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर तहसील पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। अगली खबर, कोरोना की तीसरी लहर का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। नगर सेवक और महानगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारी संक्रमित पाए जा चुके हैं। इसके चलते महानगर पालिका की शुक्रवार को आयोजित आम सभा आगे बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, अधीक्षक अभियंता, सहायक आयुक्त दर्ज के दर्जन भर अधिकारी संक्रमित हो जाने से महानगर पालिका की शुक्रवार को आयोजित आम सभा आगे बढ़ा दी गई है। अब यह आम सभा 25 जनवरी को होगी। महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त दीपक कुमार मीना, उपायुक्त महेश धामेचा, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय जोशी, उद्यान निरीक्षक अमोल चोरपगार, अधीक्षक अभियंता अजय पोहेकर, घन कचरा प्रबंधक विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर गजेंद्र महल्ले पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।